नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। इस कथन को झारखंड की रहने वाली रितिका सुरीन ने सच कर दिखाया। रितिका सुरीन ग्रेटर नोएडा के निजी कॉलेज में पढ़ती हैं। ऐसे में उनके कॉलेज की ओर से 20 लाख रुपए सालाना पैकेज का प्लेसमेंट मिला है। जब से यह खबर रितिका के माता पिता को मिली, तब से वो खुशी से ही झूम उठे। रितिका सुरेन की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। वो एक बेहद सामान्य परिवार से आती हैं। रितिका सुरेन के माता पिता रोजी रोटी कमाने के चक्कर में 20 साल पहले झारखंड से नोएडा आए थे। उसके बाद अपनी दुनिया यहीं बसा ली। रितिका सुरेन के पिता नवल सुरेन बताते हैं कि मैं एक निजी कॉलेज में चपरासी की नौकरी करता हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी पढ़ेगी और इतना अच्छा करेगी, लेकिन किसी तरह से कठिनाई में जीवन काट कर बेटी को पढ़ाया है। हमें तो हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती, लेकिन रितिका तो खूब अच्छी अंग्रेजी बोलती है। माता मैरी ग्लोरिया सुरीन बताती हैं कि मैं नोएडा में लोगों के घर चूल्हा चौका का काम करती हूँ। शुरुआत में तो खाने के पैसे भी नहीं होते थे, धीरे धीरे करके बहुत कुछ किया और बेटी को पढ़ाया। रितिका सुरेन MBA कर रही हैं। उनका प्लेसमेंट ऑटोडेस्क कंपनी में 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में हुई है। वह बताती हैं कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मुझे खुद को प्रूव करना है कि जो मुझे मौका मिला है उसे मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने अपनी माँ को मेहनत करते देखा है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ मेरे पिता वहीं चौपरासी का काम करते हैं। ये सब मैं भूल नहीं सकती। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।